गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज हिमांशु और आज मैं आपको मुगल एम्पायर के बारे में बताने जा रहा हूँ। मुगल एम्पायर सबसे पहले एक डेंसिटी थी जो बाबर ने स्टार्ट की थी। बाबर ने मुगल एम्पायर को स्टार्ट किया था 1526 में। फिर इसके वंश आते रहे और फिर ये बढ़ा जाता रहा। बाबर का टाइम पीरियड था 1530। फिर उन्होंने 3 मेन फाइट्स लड़ी थी। फर्स्ट थी पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत, ये लड़ी थी इन्होंने 1526 में। फिर इन्होंने सेकंड वॉर लड़ी थी खानवा, ये वॉर इन्होंने लड़ी थी 1527 में। फिर थर्ड लड़ी थी इन्होंने चंदेरी 1528 में। ये तीन बैटल लड़ते लड़ते एक इतने वीक हो चुके थे कि फिर 2 साल बाद इनकी डेथ हो गई। 1530 में इनकी डेथ हो गई। फिर इनके बेटे आए हुमायूं। हुमायूं का टाइम पीरियड था 1532-1556। ये इनका कंप्लीट टाइम पीरियड नहीं था क्योंकि बीच में शेरशाह सूरी ने इन पे अटैक कर दिया था। शेरशाह सूरी ने इन पे अटैक कर दिया था 1540 में, जिसे हुमायूं हार गए थे। फिर ये शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड चला था 1545 से। तो इस टाइम पे जो हुमायूं थे वो एक राजपूत रूलर के पास चले गए थे, उन्होंने उनसे शरण ली थी। फिर इन्होंने फिर से 1545 में शेरशाह सूरी पे अटैक कर दिया। फिर 1556 टू इन्होंने राज किया। फिर इसके बाद आता है अकबर, हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर को हम द मुगल ग्रेट रूलर के भी नाम से जानते थे क्योंकि जो ये और बाकी थे हिंदूज के खिलाफ थे, पर ये अकबर पहले ऐसे मुगल रूलर थे जो हिंदूज के भी साथ थे। इनके 9 ज्वेल्स थे। तो पहले इनका टाइम पीरियड था 1556-1605। इन्होंने टोटल 49 ईयर्स रूल किया था और ये मुगल एम्पायर में मीन्स सबसे ज़्यादा रूल इन्होंने ही किया था। फिर इन आते कि इनके टोटल 9 ज्वेल्स थे। उनके टोटल 9 ज्वेल्स, मैं आपको एक बार उनके नाम गिना देता हूँ। पहला था बीरबल, सेकंड अबुल फजल, अब्दुल रहीम, टोडरमल और तानसेन, टोडरमल, राजा मानसिंह और भी थे एटसेट्रा। फिर सबसे पहला है बीरबल। बीरबल इनके मेन मिनिस्टर थे। बीरबल को 9 ज्वेल्स में इसलिए देते क्योंकि जो अकबर थे वो जितने भी डिसीजंस लेते थे वो सारे इन्हीं के कहने पे लेते थे। फिर एक आते कि अकबर के कुछ जो जो इन्होंने बनवाया, अकबर ने एक मेन चीज़ बनवाई थी फतेहपुर सीकरी।